हेलो दोस्तों, मैं पवन कापरी, आपका एजुकेशन फ्रेंड। आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। कई लोग मुझे फ़ोन करते हैं, पूछते हैं सर एग्ज़ाम फीस कब जमा करना है, तो उनको पता नहीं होता इनके बारे में। तो आपको इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ NIOS एग्ज़ाम फीस के बारे में, देखते हैं। आप तो जानते हो हमारा CSE सेंटर PK कापरी एंड कंपनी। आज हम जानने चाह रहे हैं NIOS एग्ज़ाम फीस के शेड्यूल। NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल। जो स्टूडेंट पब्लिक एग्ज़ाम के लिए स्ट्रीम वन में एडमिशन लेते हैं, ये उनके लिए है, ब्लॉक वन हो या टू। एक नोटिफिकेशन आया था 16 नवंबर 2018 को, जिसमें द शेड्यूल फॉर रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फी फॉर सेकेंडरी मतलब 10th क्लास एंड सीनियर सेकेंडरी मतलब 12th क्लास, जिनका एग्ज़ाम मार्च या अप्रैल 2019 में होने वाले हैं। यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है, कई स्टूडेंट ये सोचते हैं कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है, फीस पेमेंट किया है, तो उनको दोबारा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। गलत है, वहाँ पे साफ लिखा हुआ है, प्रोस्पेक्टस जब पढ़ेंगे उसमें लिखा होता है, जब आप एडमिशन कराते हो जो फीस जाता है उसके साथ, वो एडमिशन फीस होता है, उसके साथ में आपको एग्जाम फीस अलग से सबमिट कराना होता है, ठीक है। जो अगर एग्जाम फीस सबमिट नहीं कराते हैं वो एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो पाएंगे, ये चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली बात है। देखते हैं शेड्यूल फॉर फ्रेश, मतलब जिन्होंने नया एडमिशन लिया है, और अनसक्सेसफुल मतलब जो पहले एडमिशन ले चुके हैं 5 साल से पहले और फेल हो रखे हैं, मतलब फेल है वो। लर्नर प्रीवियस एग्जामिनेशन, मतलब जिन्होंने पिछले एग्जाम में फेल हो गए हैं, ये उनके लिए भी है। उनका 20 नवंबर 2020 to 31 दिसंबर 2018, 20 नवंबर जो आने वाला है 2-3 दिन में आ जाएगा दोस्तों, से 31 दिसंबर तक वो एग्जाम फीस हमें सबमिट करना है विदाउट लेट फाइन, उसका कोई लेट फीस नहीं होगा। सेकेंड और लर्नर हु हैव बीन अनसक्सेसफुल इन द प्रीसीडिंग एग्जामिनेशन, मतलब जिन्होंने अभी अक्टूबर में एग्जाम दिया है, उनका रिजल्ट 20 दिसंबर तक से पहले आ जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखना, कई स्टूडेंट फ़ोन करते हैं सर मेरा रिजल्ट कब आएगा, मैंने पेपर दे दिया है रिजल्ट कब आएगा। भाई ध्यान रखो 20 तारीख से पहले रिजल्ट आ जाएगा, बार बार फ़ोन करने कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ोन करते तो सर फोन रिजल्ट बता दो, रिजल्ट बता दो, अरे भाई आएगा तो बताएंगे ना, ध्यान रखो रिजल्ट आएगा, ठीक है, 20 दिसंबर से पहले रिजल्ट 16 दिसंबर पहले रिजल्ट आ जाएगा, मतलब दिसंबर के फर्स्ट वीक से सेकेंड वीक तक रिजल्ट आपका आ जाएगा, इसलिए चिंता ना करें, बार बार फोन ना करें। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको लाइक भी कर सकते हैं, कोई श्रम वाली बात नहीं है, श्रम नहीं आना चाहिए लाइक करने से, बस शेयर तो ज़रूर करें, क्योंकि इसमें हम और आगे ऐसे ऐसे वीडियो डालने जा रहे हैं जो आपको पूरे कोर्स का लेसन समरी पूरा डालेंगे। आप चाहे तो इस चैनल से पूरा कोर्स पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं देना आपको। सेकंड देखते हैं, मैं कह रहा था जिन्होंने जिनका एग्जाम अक्टूबर में होगा और जो फेल हो जाएंगे या कोई सब्जेक्ट में रह जाएगा, उनके लिए 16 दिसंबर से 31 दिसंबर 2018 तक विदाउट लेट फाइन वो एग्जाम फीस भर सकते हैं। थर्ड फॉर ऑल लर्नर्स विद लेट फी और विद 100 पर सब्जेक्ट, एक ध्यान रखने वाली बात है, 100 रुपी पर सब्जेक्ट, मतलब कि अगर आपके पास 3 सब्जेक्ट है, सपोज करो आपके पास हिंदी ले रखा अपने, इंग्लिश है और सभी मान लो साइंस है, और आप एग्जाम फीस भरते हैं तो पर सब्जेक्ट आपका 250, थ्योरी का 250 प्लस इसमें साइंस में प्रैक्टिकल भी है तो 250 प्लस 120, ये तो जाने जाने एग्जाम फीस है नॉर्मली, लेकिन उन्हें क्या है 100 रुपी लेट फाइन, मतलब क्या है इसमें भी 100 हम जोड़ेंगे,
इसमें भी 100 जोड़ेंगे, इसमें भी जोड़ेंगे 100, तो टोटल फीस हमारी होगी ये हो जाएगा 350, ये आपका जाएगा 460 जाएगा ना, 460 जाएगा। तो अब ये टोटल फीस भरना होगा, ये भरना होगा, तो ये तो ध्यान रखें। पर 100 रुपीज़ पर सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट पे जितने भी सब्जेक्ट आप ले रखे हैं सब पे आपको 100 रुपीज़ देना है, जो आपके एग्जाम फीस है वो देना ही देना है, उसके अलावा 100 रुपीज़ देना है। ये कब तक डेट है, ये आपका 1 जनवरी से लेके 7 जनवरी, 7 जनवरी तक है, जो 100 रुपये पर सब्जेक्ट अकॉर्डिंग है। फोर्थ है, लास्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद अगर आप यहाँ पे फीस नहीं भरा तो आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। फॉर ऑल लर्नर्स विद कंसोलिडेटेड लेट फी 1500 पर लर्नर, यहाँ देखो इंपॉर्टेंट है पर लर्नर, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं लिखा है, पर लर्नर ये मतलब क्या आता है समझो। जैसे आपके पास हिंदी था पहले, इंग्लिश था, साइंस था, जो आप एग्जाम फीस पे कर रहे थे 250, यहाँ पे था 250 प्लस 120, ये आपका एग्जाम फीस जा रहा था, आपके टोटल सबको मिला के प्लस लेट फाइन 1500 ये आपको देना है। मतलब कि अगर आप एक सब्जेक्ट भरते हो, मान लो हिंदी भर रहे हो, हिंदी का एग्जाम फीस आपका 250 है, तो आपको जो लेट फाइन लगेगा वो 1500 लगेगा। या एक सब्जेक्ट भरो या सारे सब्जेक्ट भरो या 5 भरो 7 भरो, जितने भरोगे 1500 लेट फाइन लगेगा आपको। तो आप यहाँ तक ना पहुँचे इससे पहले जो एग्जाम फीस भर दे, लेट फाइन भरने की जरूरत नहीं है। ये आपके जो डेट है 8 जनवरी 2019 तक, यहाँ पे मैंने आपको पूरी जानकारी दिया है एग्जाम फीस के बारे में। तभी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ ना आए, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको उनके आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आगे जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो कम्प्लीटली फ्री कोर्स होगा, हर टॉपिक का कोशिश करेंगे इधर एक्सप्लेन कर देंगे आपको, कि आपको कोचिंग करने की जरूरत ना पड़े। अब यहाँ से पढ़ोगे तो आपका 6 माह जरूर आएंगे। ओके, गुड बाय।